हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग राज्य मामले 2019 के राज्य मामले, राष्ट्र स्तरीय मामले। चलिए तो हम शुरू करते हैं सितंबर में, सितंबर 2019 के देखते हैं। गार्बी गुजरात, गुजरात का दूसरा राज्य भवन जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में गुजरात सरकार के दूसरे राज्य भवन गारवी गुजरात का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय राजधानी में स्थित पहला इको फ्रेंडली राज्य भवन है। अगला है नागपुर में खोला गया है गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में नए गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के अनुमोदन की घोषणा की है। इस चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए बायो पार्क, इंडियन सफारी, अफ्रीकी सफारी, नाइट सफारी, अनुसंधान, प्रशिक्षण सुविधाएं आदि जैसे आकर्षण होंगे। सरकारी अनुदान के साथ एफडीसीएम लिमिटेड को इंडियन सफारी और सहायक गतिविधियों, जलाशयों तथा गोरेवाड़ा रिजर्व में के निर्माण का कार्य दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र वन विकास निगम लिमिटेड नागपुर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना की अनुमति दी है। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर भारत में सबसे बड़ी कैप्टिव जू सफारी में से एक है, जिसमें गोरेवाड़ा झील के से सटी 1914 से अधिक हेक्टेयर की भूमि है। अगली बात करते हैं भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में खोला गया। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर नगर निगम भारत का पहला गार्बेज कैफे खोलेगा। यह कैफे ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण भोजन प्रदान करता है जो 1 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करता है और 500 ग्राम वजन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त नाश्ता देता है। यह पहल सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई थी। कचरा इकट्ठा करने वाले बेघर लोग जो कुछ पैसे कमाने के लिए प्लास्टिक के कचरे इकट्ठे करते हैं, उन्हें अच्छा भोजन मिले। नगर निगम प्लास्टिक कचरे के बदले गरीबों और बेघरों को भोजन उपलब्ध कराएगा। अगली खबर है खादी एवं ग्रामोद्योग ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सेवापुरी में पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया है। यह मशीन मिट्टी के बेकार और टूटे हुए बर्तनों को फिर से बनाने उपयोग करने के लिए पीसेगी। अगली बात करते हैं हरियाणा सरकार ने फसली ऋणों पर 4,750 करोड़ रुपए का ब्याज और जुर्माना माफ किया है। हरियाणा सरकार ने फसली ऋणों पर 4,750 करोड़ रुपए ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। यह छूट उन किसानों को दी गई है जिन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और भूमि बंधन बैंक से ऋण लिया था। इस कदम से राज्य के लगभग 10 लाख किसानों को फायदा होगा। अगली बात करते हैं हरियाणा में हिसार से शुरू की गई है उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना। हिसार हरियाणा हिसार और चंडीगढ़ के बीच एयर शटल सेवा के शुभारंभ के साथ ही नागरिक उड्डयन के मानचित्र में शामिल हो गया। स्पाइस जेट ने उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सेवा योजना के तहत हिसार और चंडीगढ़ के बीच एयर शटल सेवा शुरू की है। अब हम बात करते हैं अगस्त 2019 की राज्य स्तरीय मामलों की। तो बहुप्रतीक्षित असम की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सूची जारी हुई। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने बहुप्रतीक्षित असम की अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सूची जारी की है। सूची को राज्य के सभी एनआरसी सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन तथा सुलभ बनाया गया है। असम राज्य में एनआरसी को अद्यतन करने की प्रक्रिया 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई थी। एनआरसी को विकसित होने में 5 वर्षों का समय और 1220 करोड़ रुपए लगे हैं। एनआरसी के बारे में बात करें तो 303.29 करोड़ आवेदकों में से कुल 3.11 करोड़ लोगों को अंतिम एनआरसी सूची में शामिल होने के योग्य पाया गया। 19.06 लाख लोगों को अंतिम एनआर सूची से बाहर रखा गया। तो याद रखिए 19.06 लाख लोगों को अंतिम एनआरसी सूची से बाहर रखा गया। अंतिम एनआरसी सूची
से बाहर किए गए लोगों के पास विदेशी न्यायाधिकरणों में अपील करने के लिए 120 दिनों का समय होगा। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के फैसले से असंतुष्ट है तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है। फिरमार्डिक नागरिक जिसमें नाम अंतिम एनआरसी में नहीं है अपने अपवर्जन को चुनौती देने हेतु विदेशी न्यायाधिकरण में संपर्क कर सकते हैं। अपवर्जित किए गए लोगों को समायोजित युद्ध करने हेतु असम राज्य में नजरबंदी शिविर लगाए गए। एनआरसी सूची भारत में अवैध रूप से रह रहे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने हेतु शुरू की गई सबसे बड़ी कवायद है। एनआरसी के देन की प्रक्रिया नागरिक अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार असम अधिवेशन में तय किए गए नियमों के तहत की गई है। दूसरा है कॉर्बेट रिजर्व के लिए उत्तराखंड द्वारा स्थापित किया जाएगा विशेष टाइगर फोर्स। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए विशेष टाइगर फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। एसटीपीएफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा की दूसरी परत के रूप में कार्य करेगा। अगली बात करते हैं, मेघालय ने वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य में वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया है। यह अभियान फिट इंडिया मूवमेंट का ही एक हिस्सा है जिसे देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। अब बात करते हैं, तमिलनाडु सरकार ने वेल्लोर जिले को 3 भागों में बांटने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानी स्वामी ने घोषणा की कि राज्य के वेल्लोर जिले को वेल्लोर रानीपेट और तिरुपत्तूर जिलों में विभाजित किया जाएगा। वेल्लोर इन 2 नए जिलों का मुख्यालय होगा। 2 और जिलों के निर्माण से राज्य में कुल जिलों की संख्या 37 हो जाएगी। अगली बात करते हैं हम लोग, महाराष्ट्र डिजिटल फिंगरप्रिंट और आयरिस स्कैनिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया जिसने पुलिस जांच में मदद करने के लिए एक स्वचालित मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक पहचान यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट और आयरिस स्कैनिंग प्रणाली को अपनाया है। अब बात करते हैं, इस प्रणाली को जल्द ही देश के अन्य राज्यों के पुलिस वालों द्वारा दोहराया जाएगा। अब बात करते हैं, भारत में शीर्ष 10 में उड़ीसा पुलिस स्टेशन है। उड़ीसा सुवर्णापुर जिले में तरवा पुलिस स्टेशन को वर्ष 2018 की वार्षिक रैंकिंग में भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक रूम में चुना गया है। उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई एक ट्रॉफी को उड़ीसा के डीजीपी आरपी शर्मा द्वारा तरावा पुलिस इंस्पेक्टर दुलमनी भोई को सौंप दिया गया है। अगली बात करते हैं, तमिलनाडु के पंचामृतम प्रसाद ने जीआई टैग प्रदान किया। तमिलनाडु के पलानी में मुरुगन मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले प्रसिद्ध पलानी पंचामृत को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। यह तमिलनाडु का पहला मंदिर प्रसाद है जिसे प्रतिष्ठित जीआई टैग के साथ दिया गया है। यह तमिलनाडु से स्वदेशी उत्पादों की कुल संख्या में से है जिन्हें जीआई टैग 29 में मिला है। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेन बघेल ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व के गठन की घोषणा की है। 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेन बघेल ने 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व के गठन की घोषणा की है। यह हाथी कर्ष के लिए एक स्थायी निवास स्थान के प्रावधान के साथ मानव हाथी संघर्ष और संपत्ति के विनाश को कम करेगा। अगला है, मणिपुर सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्कूल फगडावा योजना शुरू की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने बुनियादी सुविधाओं गुणवत्ता की शिक्षा और सरकारी स्कूलों में के समग्र सुधार के उद्देश्य से स्कूल फगडावा योजना शुरू की है। अगली बात करते हैं, आरएसी राजस्थान का नया उच्चतर शिक्षा मॉडल। राजस्थान सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी कॉलोनियों के बीच संकाय और चल अचल संपत्तियों के वितरण के लिए एक उच्चतर शिक्षा मॉडल का शुभारंभ किया है जिसका शीर्षक है रिसोर्स असिस्टेंट कॉलेज विद एक्सीलेंस या रेस के साथ संसाधन सहायता ताकि उपलब्धता को तर्क संगत बनाया जाए। अगला हमारा एपीजी एपी ने विलेज वॉलंटियर्स सिस्टम लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी मंत्री ने अपना मुख्यमंत्री ने अपने
सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम विलेज वॉलंटियर एयर सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को घर घर में सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। अगला हमारा पश्चिम बंगाल ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने हालिया हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक जागरूकता अभियान सेव ग्रीन स्टे क्लीन शुरू किया है। अगला हमारा वंस नेशन वन राशन कार्ड योजना 4 राज्यों में पायलट पायलट आधार पर शुरू की गई है। इसमें शामिल है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पायलट आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। तो याद रखिए, ये राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जिन परिवारों के पास खाद्य सुरक्षा कार्ड है वे इन राज्यों में किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाले चावल और गेहूं खरीद सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए उनके राशन कार्ड के आधार नंबर से जोड़ा जाना चाहिए। अगला हमारा केंद्र ने कोसी और मेची नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्र ने बिहार में कोसी मेची नदी के अंतःक्षेपण परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 4900 करोड़ रुपये है। यह परियोजना उत्तरी बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में फैले हुए 2.14 लाख हेक्टेयर से अधिक के कमांड क्षेत्र के लिए सिंचाई प्रदान करेगी। यह मध्य प्रदेश के कैन बेतवा के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी जोड़ वाली परियोजना है। अगली बात करते हैं, उड़ीसा झीलों के संरक्षण की योजना चिलिका और अंशुपा को मंजूरी दी है। उड़ीसा वेटलैंड प्राधिकरण ने झीलों के चिलिका और अंशुपा के एक एकीकृत प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेंगून झील है, और अंशुपा उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो याद रखिए, चिलिका झील है, ये लेगून झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब हमारा अगला है, केरल सरकार देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। केरल सरकार जंबो जो या तो अनाथ या परित्यक्त हैं कि देखभाल करने के लिए 105 करोड़ रुपए के परिव्यय में यहाँ अपनी तरह का एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित एक इको टूरिज्म गांव को टूर जल्द ही देश के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की मेजबानी करेगा। अगली बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी स्तनपान रिपोर्ट में मणिपुर सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में स्तनपान पर एक रिपोर्ट जारी की, जहां देश में स्तनपान और शिशु एवं छोटे बच्चों को खाना खिलाने के तरीकों के आधार पर राज्य को स्थान दिया गया। रैंकिंग में मणिपुर सबसे ऊपर है। याद रखिए, सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार का रहा। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी एक है। तो याद रखिए, मणिपुर सही है। फिर हमारा अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान रचा है। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया मेगा ग्रीनरी प्लांटेशन ड्राइव, जिसे वृक्षारोपण महाकुंभ कहा जाता है, जो अब एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए। अगली बात करते हैं हम लोग, भारत की पहली जलमग्न ट्रेन को कोलकाता में लॉन्च किया गया। रेल मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत की पहली जलमग्न ट्रेन परियोजना हुगली नदी के नीचे कोलकाता पश्चिम बंगाल में लॉन्च करेंगे। यह 16 किलोमीटर लंबी कोलकाता मेट्रो परियोजना है। अगली बात करते हैं, 9 साल की मणिपुर लड़की वेलेंटिना देवी मणिपुर की हरित राजदूत बनी है। मणिपुर की 9 साल की लड़की एलंग वाम वेलेंटिना देवी को मुख्यमंत्री हरित मणिपुर मिशन का राजदूत बनाया गया। उसका अग्राए गए पेड़ों पर रोने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये वेलेंटिना देवी मणिपुर की हरित राजदूत बनी है, याद रखिए 9 साल की है। अगला है, राजस्थान जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राजस्थान राज्य के सरकार सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि
राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दृष्टि के साथ जैव ईंधन नियम 2019 जारी किया है। अगला बात करते हैं गोगा बील, बिहार में एक बैल धनुष झील जिसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। बिहार के कटिहार जिले में एक बैल धनुष झील को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। गोगा बील जो बिहार में 15वां संरक्षित क्षेत्र है, उत्तर में महानंदा और कनखर और दक्षिण के और पूर्व में गंगा नदियों के प्रवाह से बनता है। अगला है हमारा पूर्वी असम के डिकोम टी स्टेट की एक दुर्लभ चाय की किस्म जिसे गोल्डन वाटरफ्लाई टी कहा जाता है ने असम के गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में 75,000 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिए पूर्वी असम की डिकोम टी ए स्टेट। 24वां है कर्नाटक ने निकोटीन को क्लास ए जहर के रूप में वर्गीकृत किया है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक जहर रूल्स 2015 में संशोधन किया है और निकोटीन को क्लास ए जहर के रूप में अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए। अगला जुलाई 2019 की राज्य स्तरीय खबरें, मुख्य खबरें। उत्तराखंड में पहला हिमालयी सम्मेलन आयोजित किया गया। 15वें वित्त आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड की मसूरी में हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। कॉन्क्लेव की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने अपने ज्ञान भागीदार के रूप में एकीकृत पर्वतीय पहल के साथ किए। कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन थी। अगला हमारा उड़ीसा ने घड़ियाल आबादी को पुनर्जीवित करने के प्रयास को नवीनीकृत किया। उड़ीसा ने अपने प्राकृतिक निवास स्थान में घड़ियाल की आबादी को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों को नए सिरे से जारी किया। 5 सरीसृपों को रिहा करके रेडियो ट्रांसमीटर के साथ सज्जित महानदी के सतकोसिया रेंज में, जो घड़ियाल के घर की सबसे बड़ी दक्षिणी सीमा है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व एक बाघ अभयारण्य है जो उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। अगला है हमारा पश्चिमी रेलवे ने पहली पेंटिंग फेस हेरिटेज गैलरी महालक्ष्मी मुंबई में खोली है। पश्चिमी रेलवे ने मुंबई महाराष्ट्र में महालक्ष्मी वेस्टर्न रेलवे महालक्ष्मी जनरल स्टोर डिपो नाम से अपनी पहली पेंटिंग फेस विरासत गैलरी खोली है। इसका उद्घाटन रेलवे बोर्ड के सदस्य बीपी पाठक ने किया है। अगला है हमारा विश्व बैंक ने आंध्र की महत्वाकांक्षी अमरावती राजधानी शहर परियोजना के लिए निधि नहीं देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के समर्थन के बाद विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना के लिए 3,000 मिलियन डॉलर का फंड वापस ले लिया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। अगला हमारा इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बना। एमसी संपत उद्योगों के मंत्री ने कहा है कि दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता हुंडई ने भारत के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना बनाई है और चेन्नई सुविधा से वैश्विक बाजार तमिलनाडु को इलेक्ट्रिक कार बनाने में भारत का पहला राज्य बनाने में मदद करेगा। अगला हमारा उत्तर प्रदेश देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वयन में नंबर एक राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार महत्वाकांक्षी केंद्रीय सरकारी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन में नंबर एक राज्य बन गया। राज्य में 31 मार्च 2019 तक योजना के तहत कुल 1.95 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताएं तो 9 मई 2015 को शुरू की गई सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके बैंक खातों में 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। अगला हमारा हरियाणा कैबिनेट ने राय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा के मंत्रिमंडल ने राय सोनीपत में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी है।
अगला है हमारा मेघालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बना है। पानी के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मेघालय भारत का पहला राज्य बन गया है और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के बाद स्वयं की जल नीति बनाई है। मसौदा नीति को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की अध्यक्षता में एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। यह मेघालय के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह राज्य देश का पहला राज्य है जिसने राज्य जल नीति बनाई है। तो याद रखिए मेघालय राज्य है जिसने पहली पहला राज्य है जिसने राज्य जल नीति बनाई है। भारत का पहला डेगन रक्तस्रावी पेड़। शोधकर्ताओं ने असम के पश्चिमी कार्बी अंगलोंग जिले के डोंग स्कास्पो क्षेत्र में डेंसा कैम्बोडियाना नामक एक डेकन पेड़ प्रजाति की खोज की है। यह पहली बार है कि भारत में से डेगन टी प्रजाति की सूचना मिली है। डेगन के पेड़ की प्रजातियां जिनका रस हवा के संपर्क में आने के बाद चमकीला लाल हो जाता है। अगला है हमारा उड़ीसा को रसगुल्ला के अपनी मिठाई के प्रारूप के रूप में जीआई टैग मिला है। भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार चेन्नई ने उड़ीसा राज्य को उड़ीसा रसगुल्ला की मिठाई के रूप में पंजीकृत करने वाले जीआई प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। 22 फरवरी 2028 तक यह मान्यता रहेगी। 2017 में मिठाई के उद्गम के बाद वर्ष 2015 से उड़ीसा के साथ युद्ध के बाद पश्चिम बंगाल ने बंगालार रसगुल्ला के लिए जीआई टैग हासिल किया था। अगला है हमारा 11वां। बीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा 76 वर्ष के हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा कर्नाटक के 31वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला है मध्य प्रदेश को एयर इंडिया की इंदौर दुबई सेवा के साथ अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिली है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर ने हाल ही में राष्ट्रीय विमान कंपनी के साथ अंतरराष्ट्रीय विमान मानचित्र बनाया जो मध्य प्रदेश हवाई अड्डे से दुबई के लिए अपनी उड़ान सेवा शुरू करता है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-903 ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 150 यात्रियों के साथ उड़ान भरी है। यह मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान थी। अगली बात करें तो आंध्र प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश उद्योग कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार अधिनियम 2019 पारित किया है। अब हम बात करते हैं नेपाल को गीता जयंती महोत्सव 2019 के लिए एक भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले गीता जयंती महोत्सव 2019 के लिए नेपाल को इस वर्ष के लिए भागीदार देश बनने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य को निमंत्रण दिया है। अगली बात करते हैं तमिलनाडु में चेंगलपेट और तेनकासी नए जिले होंगे। तमिलनाडु जिलों की संख्या 35 हो जाएगी क्योंकि सरकार ने तेनकासी जिले को तिरुनेलवेली जिले में से और चेंगलपेट जिले को कांचीपुरम जिले से बाहर करने की घोषणा की है। यह तमिलनाडु में क्रमशः 34वां और 35वां जिला बन जाएगा। अगला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दीदी के बोलो अभियान की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों तक पहुंचने के लिए दीदी के बोलो अपनी बहन को बताएं नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। अगली बात करते हैं राजघाट कोयला संयंत्र को सौर पार्क में बदल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि राजघाट थर्मल पावर प्लांट को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाएगा और इसे सौर पार्क में बदल दिया जाएगा। 45 एकड़ संयंत्र स्थल पर 5000 किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। कोयला आधारित संयंत्र जिसकी वर्तमान इकाइयों को 1989 में चालू किया गया था 2014 से बंद पड़ा हुआ है। अगली बात करते हैं तमिलनाडु ने 30 जुलाई 2019 को अस्पताल दिवस मनाया। 30 जुलाई 2019 को तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों ने अपना पहला अस्पताल दिवस मुथु लक्ष्मी रेड्डी की जयंती पर इसके स्मरण में मनाया। वह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की प्रमुख सफल महिला डॉक्टरों में से एक और तमिलनाडु की पहली महिला विधायक थी। अगली बात करते हैं
महाराष्ट्र सरकार ने शहीदों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय सहायता राशि एकत्रित की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से बाहर शहीद और विकलांग सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है, जिन्होंने अपना जीवन कर्तव्य के लिए निछावर कर दिया है। शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे में 4 गुना वृद्धि को 1 जनवरी 2019 से लागू किया गया। अगली बात करते हैं, जम्मू कश्मीर जिला प्रशासन उधमपुर में ने हेल्पलाइन जीने दो की शुरुआत की। केंद्र प्रायोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जम्मू और कश्मीर जिला प्रशासन उधमपुर ने लिंग अनुपात में सुधार लाने और पूर्व गर्भधान और पूर्व प्रसव निदान अधिनियम 1994 के दोषी से निपटने के लिए उद्देश्य एक हेल्पलाइन शुरू की है। अगली बात करते हैं, तेलंगाना सरकार और WEF ने डॉन डिलीवरी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया। तेलंगाना राज्य सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क ने मेडिसिन फॉर्म द स्काई नामक एक डॉन डिलीवरी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल ने दवा और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में नेताओं की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला हमारा उत्तराखंड में 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू स्थापित किया जाएगा। एशिया का पहला 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थापित किया जाएगा। अगली बात करते हैं, तमिल यूमन अब तमिलनाडु की राज्य तितली तितली की प्रजाति तमिल यूमन को आधिकारिक रूप से तमिलनाडु राज्य की तितली घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है सिरोचिरोथेसिस थेस। इसे तमिल मारवन के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विशेष गैंडा संरक्षण बल तैनात किया गया। 182 सदस्यीय विशेष गैंडा संरक्षण बल जिसे शिकारियों का मुकाबला करने और पशुओं के बर्ताव को समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया को हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तैनात किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नागांव जिला में स्थित है। इसे अपनी अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण के लिए वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और वर्ष 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगली बात करते हैं हम लोग, मेघालय पर अवैध कोयला खनन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में विफल होने पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने को जमा करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मेघालय सरकार पर 4 जनवरी से जुर्माना लगाया था। अगली बात करते हैं, दमन गंगा फ्रिंजल परियोजना वर्ष 2060 तक मुंबई की पानी की आवश्यकताओं को पूरी करेगी। 28 जून 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि दमन गंगा फ्रिंजल परियोजना वर्ष 2060 तक मुंबई की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सप्ताह में एक बार सार्वजनिक बैठक करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन चौपाल कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगली बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन खुमार शुरू किया गया। ड्रग्स मुक्त मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत जम्मू और कश्मीर ने राजौरी जिला प्रशासन ने जिले की सभी 312 पंचायतों में ऑपरेशन खुमार नामक एक नशा विरोधी अभियान शुरू किया है। अगला है, महाराष्ट्र के कोंकण जिले में लगातार वर्षा के कारण रत्नागिरी स्थित तेवारी बांध में दरार के कारण 23 लोगों की मरने की आशंका है। अगला बात करते हैं, जून 2019 के राज्य मामले मुख्य खबरें राज्यों से संबंधित। तो पहला, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम की 7 फीट ऊंची लकड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगली बात करते हैं, भारत को गुजरात में अपना पहला डायनासोर संग्रहालय एवं जीवाश्म उद्यान मिला है।
गुजरात के रायोली गांव में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय और जीवाश्म उद्यान होगा, जो महीसागर जिले के वालासिनोर कस्बे के पास स्थित है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में उद्यान का उद्घाटन किया है। अगली बात करते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित क्रूज नौका केरल राज्य में शुरू की गई। भारत की पहली सौर नाव आदित्य भारत के केरल राज्य में पिक्कोम और थावन क्वाडू के बीच संचालित हुई है। अगली बात करते हैं, गुजरात पुलिस अधिक रफ्तार पर कार्रवाई करने के लिए लेजर गन का इस्तेमाल करेगी। गुजरात सरकार ने वाहनों की तेज रफ्तार का पता लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को लेजर गन प्रदान करने का फैसला किया है। अगला हमारा नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। गोवा राज्य सरकार ने हाल ही में कारखाना अधिनियम 1948 में को मंजूरी दी है में संशोधन को मंजूरी दी है, जो उद्योग में रात की पाली 7-7 से शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिलाओं की तैनाती की अनुमति देगा। अगली बात करते हैं, तेलंगाना ने 32वीं ISTA कांग्रेस आयोजित किए। तेलंगाना ने हैदराबाद में त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस की मेजबानी की है। ISTA कांग्रेस पहली बार एशिया में आयोजित की जा रही है। अगली बात करते हैं, यूनिक फ्लैड हिजार्ड एटलस उड़ीसा। उड़ीसा ने सैटेलाइट इमेजरी युक्त एक यूनिट फ्लैड हिजार्ड एटलस शुरू किया है, जिससे तटीय राज्य को बाढ़ का अधिक कुशलता से प्रबंधन करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राज्य स्तरीय प्राकृतिक आपदा बैठक में एटलस जारी किया है। आधार अवधि एटलस को वर्ष 2001 से 2018 तक 18 वर्ष की अवधि में सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से ली गई ऐतिहासिक बाढ़ सैलाब की तस्वीरों के आधार पर संकलित किया गया। अगला, बिहार सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगाई है। बिहार राज्य सरकार ने में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ घातक हैटी वेव लू का हवाला देते हुए हाल ही में बिहार के विभिन्न शहरों में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला हमारा, नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के बहुलोकप्रिय फुटवियर उद्योग में अपना हाथ की कारीगरी के लिए विख्यात चमड़े की कोल्हापुरी चप्पल को भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया है। इससे देश के अन्य भागों और विदेशों में चप्पल की बिक्री में वृद्धि होने की संभावना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क ने कोल्हापुरी को महाराष्ट्र के 4 जिलों कोल्हापुर सोलापुर सांगली सतारा के साथ कर्नाटक के 4 जिले धारवाड़ बेलग्राम गांव बागलकोट और बीजापुर के लिए GI टैग प्रदान किया है। अगला हमारा, हिमाचल प्रदेश ने पर्वतारोहियों के लिए GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अनिवार्य किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्वतारोहियों के लिए अपने साथ GPS ट्रैकर रखना अनिवार्य बना दिया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य से और पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR से, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब से घिरा हुआ है। अगली बात करते हैं, असम दारंग जिले में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। असम सरकार दारंग जिले में 850 करोड़ की लागत से कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। यह संभवतः देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय होगा, जिसमें 10,000 सीटों की क्षमता होगी। अगली बात करते हैं, असम सरकार ने मुफ्त छूट योजना के तहत पिता की आय सीमा में वृद्धि की है। असम सरकार ने परा स्नातक स्तर में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। जिनके पिता की आयु सालाना 2 लाख से कम है, राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों और 5 विश्वविद्यालयों को इस योजना के तहत शामिल किया गया। अगली बात करते हैं, राजस्थान सरकार बेरोजगार स्नातकों को 3500 मासिक भत्ता प्रदान करेगी। स्नातक अथवा उसके समकक्ष डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इस साल फरवरी से पुरुष बेरोजगारों को 3,000 मासिक, महिला तथा दिव्यांग बेरोजगारों को 3,500 मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदकों को राजस्थान का निवासी होना चाहिए। यह धनराशि उन्हें 2 वर्ष अथवा रोजगार मिलने तक दी जाएगी। अब मई 2019 की राज्य स्तरीय घटनाओं की बात करते हैं।
पंजाब सरकार का बिना हाइजीन रेटिंग ऑनलाइन भोजन वितरण पर रोक। पंजाब सरकार ने राज्य में सभी ऑनलाइन भोजन वितरकों के लिए उनके द्वारा दिए जा रहे भोजन पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण दिशा निर्देश के अनुसार हाइजीन रेटिंग होना अनिवार्य बना दिया है। अगला है महाराष्ट्र डिजिटल हस्तांतरित भूमि रिकॉर्ड पावतियां देने वाला प्रथम राज्य भारतीय राज्य बन गया। 7/12 पावती सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो भूमि का स्वामित्व तय करता है। यह मुख्यतः किसानों द्वारा ऋण हेतु आवेदन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने राज्य में ई सिगरेट के उत्पादन वितरण विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी है। तो याद रखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य में ई सिगरेट के उत्पादन वितरण विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी है। अगली बात करते हैं, केरल मसाला बॉन्ड मार्केट जारी करने वाला पहला राज्य बना है भारतीय राज्य। केरल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार के लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 312 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2150 करोड़ कीमत के केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड का मसाला बॉन्ड सूचीबद्ध कर मसाला बॉन्ड बाजार में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अगला ई विधान, केरल विधानसभा अपने सभी रिकॉर्ड को डिजिटल कृत करेगी। केरल विधानसभा ने हाल ही में ई विधान नाम की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अपने सभी रिकॉर्ड और कार्यवाहियों को डिजिटल करने की घोषणा की है, जो राज्य विधानसभा को संपूर्ण रूप से डिजिटल और पेपरलेस बनाएगा। अगला है, गुलाबी मेंढक को केरल का राज्य उभयचर बनाया। गुलाबी मेंढक को केरल राज्य का उभयचर घोषित किया जा रहा है, किया जा सकता है। यह प्रस्ताव केरल के शीर्ष हरे हरे पेटोलॉजिस्ट द्वारा रखा जा रहा है। विचित्र चित्त वाली यह प्रजाति पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यह शीर्षक इस प्रजाति की संकटग्रस्त आवास को बचाने में सहायता कर सकता है। मेंढक की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है नसीका वाटेकस सहवार्डेनिस। इसे मावली मेंढक अथवा पिग नोज मेंढक भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं, 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस बनाया गया। 16 मई 2019 को सिक्किम ने अपना 44वां दिवस मनाया राज्य दिवस। सन 1975 में इसी दिन सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत संघ का राज्य बना। और काजी लैन दुपे दोरजी पहले तो यह काजी लैन दु दोरजी इसके पहले मुख्यमंत्री थे। सिक्किम का आधिकारिक रूप से भारत में विलय हुआ था और 22वां राज्य बना था। अगली बात करते हैं, गोवा ने 23 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। गोवा ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। 30 मई 1987 में गोवा भारत का संघ का 25वां राज्य बना था। प्रमोद सावंत गोवा के 13वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगली बात करते हैं, मेघालय सरकार ने किसान आयोग गठित करने की अनुमति दी है। मेघालय सरकार ने किसानों के द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए एक आयोग की गठित करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने किसान संसद में पारित संकल्प के साथ कृषि विभाग द्वारा रखे गए किसान आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगली बात करते हैं, जीरो प्रेसिडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट। जीरो प्रेसिडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट दिल्ली हाई कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के मामलों की समय सीमा निर्धारित, न्यायाधीशों की संख्या, आवश्यक मामलों के प्रबंधन के नियमों और अन्य प्रासंगिक कारकों की मेजबानी के लिए बेंचमार्क की पहचान करने के लिए शुरू की गई है। तो याद रखिए, जीरो प्रेडेंसी कोड प्रोजेक्ट दिल्ली से संबंधित है। अगली बात करते हैं हम लोग, बैगनी मेंढक को केरल के राज्य उभयचर का ताज पहनाया गया। बैगनी मेंढक को जल्द ही केरल के राज्य उभयचर के रूप में नामित किया जा सकता है। केरल के प्रमुख पशु चिकित्सकों द्वारा इस प्रस्ताव का विचार किया जा रहा है। अनोखी दिखने वाली प्रजाति पश्चिमी घाट के स्थानिक शीर्षक प्रजातियों को नाजुक निवास स्थान की रक्षा करने में मदद करेगी। वैज्ञानिक नाम है इसका नासिक बत चूसा हेडेसिन। इसे मावली मेंढक या पिगनोज फॉग के रूप में जाना जाता है। अगली बात करते हैं, गुजरात विधानसभा ने दुकानों और व्यवसायों को 24
घंटे 7 दिन खुले रखने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिनियम पारित किया है। गुजरात दुकान ने और प्रतिष्ठित अधिनियम 2019 गुजरात विधानसभा द्वारा पारित जो 1 मई 2019 से लागू हुआ है। अधिनियम राज्य में दुकानों अन्य व्यवसायों को 24/7 संचालित करने की अनुमति प्रदान करेगा। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली एंटी नक्सल महिला कमांडो यूनिट को तैनाती हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार जिला कमांड गार्ड में अपनी कमांड लाइन एंटी नक्सल फोर्स में महिला कमांडो को शामिल किया। अब बात करते हैं अप्रैल 2019 के राज्य स्तरीय मामलों की। तो हिमाचल प्रदेश ने 72वां राज्य दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को 72वां हिमाचल दिवस को उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया है। हिमाचल दिवस को इसके निर्माण की स्मृति में मनाया जाता है। अगली बात करते हैं, नागालैंड ने कोहिमा की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ मनाई। नागालैंड ने कोहिमा की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इस कार्यक्रम में यूके के और जापान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिन्होंने स्मरण और पुनर्मिलन और पुनर्जन्म विषय पर बात की है। कोहिमा की लड़ाई पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में कोहिमा शहर के आसपास 3 अप्रैल से 22 जून 1944 तक 3 चरणों में लड़ी गई थी। अगली बात करते हैं, रोंगाली बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम का सबसे प्रतीक्षित त्यौहार है रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के रूप में भी जाना जाता है, जो नए असमिया कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। असम प्रमुख कृषि कार्यक्रमों को बिहू के त्यौहार के रूप में मनाता है। असम में एक साल में 3 बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन्हें रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, भोगली माघ बिहू और कांगली कटी बिहू रूप में मनाया जाता है। अगली बात करते हैं, कंधमाल हल्दी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। कंधमाल हल्दी दक्षिणी उड़ीसा की स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है, ने बौद्धिक संपदा भारत से भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया है, जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत है। उड़ीसा के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में कंधमाल अपनी हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध है, एक मसाला जो व्यंजनों की एक श्रेणी में अपने गौरव का आनंद लेता है। अगली बात करते हैं, पेरियार नदी का विघटन। केरल में पेरियार नदी फिर से विलुप्ति का गवाह बन रही है। केरल के पेरियार नदी पथलम रेगुलेटर कम ब्रिज के पास काली हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से पेरियार का विनाश और मछलियों की हत्या एक गंभीर मुद्दा रहा है। पेरियार की एक सहायक नदी मुतार नदी के किनारे लगभग 100 भारतीय एकोवी मछलियां मृत पाई गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण सुपोषण की परिणाम स्वरूप हुआ है। पेरियार नदी सबसे लंबी नदी है और भारतीय राज्य केरल में सबसे बड़ी निर्वहन क्षमता है। अगला हमारा फील्ड स्टाफ के लिए ई लर्निंग प्रशिक्षण में तेलंगाना सर्वप्रथम है। उत्तराधिकार में दूसरे वर्ष के लिए तेलंगाना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में नंबर एक पर रहा है, आंध्र तेलंगाना, याद रखिए। अगली बात करते हैं, मैंगलोर की वेलंदोर झील एक बार फिर से जमना शुरू हुई है। वेलंदोर झील, जो कि बेंगलोर की 262 झीलों में से एक है, ने हाल ही में दिनों में कई बार जहरीले झाग छोड़े हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले को सो मोटो करा दिया है। इससे पहले अप्रैल में उसने झील के आसपास के 76 प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल और पूर्ण रूप से बंद करने का निर्देश दिया था। फरवरी में कचरे के टीले में आग लगने के बाद यह निर्देश आया है, जिससे इलाके में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल गया। अगली बात करते हैं, कर्नाटक ने 2019 को जल वर्ष घोषित करने का फैसला किया है, ताकि पानी एक दुर्लभ वस्तु है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा सके। फिर याद रखिए, कर्नाटक सरकार ने 2019 को जल वर्ष घोषित करने का फैसला किया है। अगला है, उड़ीसा राज्य हर साल 1 अप्रैल को राज्य गठन दिवस के उपलक्ष्य में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाता है। अगला बात करते हैं, मार्च 2019 के राज्य स्तरीय मामलों की है। तो पहला है, राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया था इस दिन। अगली बात करते हैं, वस्त्र दान अभियान में ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
उदयपुर के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा शुरू किए गए वस्त्र दान अभियान ने दान के लिए कपड़े का सबसे बड़ा संग्रह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभियान में 3 लाख से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए वर्तमान 14% से बढ़ाकर 27% के अध्यादेश को जारी किया है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में सिखाई जाने वाली कोचीन आदिवासी भाषा गोंडी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में प्राचीन जनजातीय भाषा गोंडी पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गोंडी को राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होने का निर्णय लिया है। अगला, आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है जो दक्षिणी रेलवे क्षेत्र है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। यह देश का 18वें जोन होगा। अगला, चावल ज्ञान बैंक असम। चावल ज्ञान बैंक असम एक कृषि वेब पोर्टल है। इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन के तहत लॉन्च किया गया। यह चावल उत्पादन तकनीक और अन्य तकनीकों पर ज्ञान बढ़ाने के लिए समर्पित है। अब बात करते हैं फरवरी 2019 के राज्य स्तरीय मामलों की। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे हुए हैं। अभी 13 अप्रैल 2019 को राष्ट्र ने जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना द्वारा सैनिकों के निर्देशों भारतीयों के नरसंहार की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। यहां बता दें आपको, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर की कमान में ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने शांतिपूर्ण विरोध करने प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर 1650 राउंड फायर किए, जिसमें सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चे बाग के अंदर फंस गए थे। अगली बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने राज्य दिवस मनाया। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने राज्योत्सव दिवस 20 फरवरी को मनाया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 32वां और 37वां राज्योत्सव दिवस मनाया जा रहा है। अगली बात करते हैं, तमिलनाडु दूसरा कोस्ट गार्ड जिला मुख्यालय पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। थोथुकुडी पहला जिला मुख्यालय चेन्नई है। और तमिलनाडु का दूसरा है थोथुकुडी। अगली बात करते हैं, शराब की तस्करी की जांच करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है, जो पिछले 3 वर्षों से राज्य में लगाए गए कुल प्रतिबंध के बावजूद जारी है। अगली बात करते हैं, अगरतला में त्रिपुरा का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। अगरतला के ग्राम तुलकोना में त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का नाम शिकारिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। अगली बात करते हैं, भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम अमरावती में बनाया जाएगा। भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय शीतलन प्रदाता अमरावती में जिला शीतलन प्रणाली के लिए नेशनल सेंटर कूलिंग कंपनी के साथ 30 साल की रियायत के साथ प्रवेश किया है। अगली बात करते हैं, कर्नाटक में भारत का पहला एग्रोमेट पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान पृथ्वी विज्ञान पर्यटन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तर कर्नाटक के एग्रोमेट पूर्वानुमान और अनुसंधान केंद्र भारत के पहला एग्रोमेट पूर्वानुमान का उद्घाटन धारवाड़ कर्नाटक में कृषि विश्वविद्यालय में किया है। अगली बात करते हैं हम लोग, सिंधु नदी की डॉल्फिन को पंजाब का राज्य जलीय प्राणी घोषित किया गया है। याद रखिए, सिंधु नदी की डॉल्फिन। अगला है, देश भर में शहरी समृद्धि उत्सव की शुरुआत की गई। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक पहल है। अगली बात करते हैं, ऊना में हिमाचल के पहले मेगा फूड का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले के ग्राम सिंघा में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। अगली बात करते हैं, मेघालय सरकार पीए संगमा के नाम पर दिकवांडी स्टेडियम का नाम बदलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की अध्यक्षता में मेघालय राज्य
मंत्रिमंडल ने पीए संगमा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, के नाम पर पूरा शहर में दिक्की वांडी स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला किया है। दिक्की वांडी स्टेडियम को पहले एमपी स्टेडियम के रूप में जाना जाता था। अगली बात करते हैं, राजस्थान ने गुर्जर चार अन्य समुदायों के लिए 5% कोटा बिल को पारित किया है। राजस्थान सरकार ने गुर्जर और चार अन्य समुदायों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 5% कोटा प्रदान करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 पारित किया है। राज्य सरकार ने नवोन्नत वर्ग की उच्चतम सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया है। अगली बात करते हैं, तेलंगाना सरकार ने 2 फरवरी को राज्य में ग्राम पंचायतों को नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए नियुक्ति दिवस घोषित किया है। अगला बात करते हैं, केरल डेक्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया भारतीय। अंगलिया हिमालयी बादल वैधशाला को उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थापित किया गया। वैधशाला SRT परिसर बादशाही थोल में स्थापित की गई है और वर्तमान में परीक्षण अवधि में है। अगली बात करते हैं, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 33वें संस्करण का उद्घाटन फरीदाबाद में हुआ है। इस वर्ष महाराष्ट्र थीम राज्य है और थाईलैंड भागीदार राष्ट्र है। अगली बात करते हैं, भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव है जिसका आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए, भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बहु सांस्कृतिक गली उत्सव काला घोड़ा कला महोत्सव दक्षिण मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया जाता है। KGAF 2019 का विषय है पश्चावलोकन। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों ने बूरी बूट योलो त्योहार मनाया है। अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति वसंत और एक सफल फसल का स्वागत करने के लिए अपनी बूरी बूट येलो त्योहार बोरी बूट येलो हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगली बात करते हैं, बिहार के मोतिहारी में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कृषि कुंभ है। अगली बात करते हैं, केरल डेक्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। अगली बात करते हैं, हरियाणा में 22वां एम्स शुरू होगा। अंतरिम बजट 2019 के दौरान पीयूष गोयल ने हरियाणा में एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। एम्स की स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मनेठी गांव में की जाएगी। अगला है, जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख क्षेत्र को संभागीय दर्जा दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख के क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक विभाग बनाने का आदेश दिया है। जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले जम्मू और कश्मीर 2 प्रशासनिक विभाग थे, लद्दाख तीसरा प्रशासनिक विभाग होगा। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 1.33 मिलियन मेट्रिक टन क्षमता वाला विशाखापत्तनम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक समर्पित 24x7 सैटेलाइट लेंस चैनल DD अरुण प्रभा लॉन्च किया है। तो याद रखिए, अरुण प्रभा लॉन्च हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, पीएम ने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए जोत में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की शुरुआत की है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान का स्थायी परिसर जोलांग रका पापुम पारे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का तीसरा उत्तर पूर्व में पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान होगा। अन्य दो है, FTII पुणे और दूसरा है SRFTI कोलकाता। अगली बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी सेला सुरंग की नींव रखी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी। यह 687 करोड़ रुपए की लागत है इसमें। अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सारथी संदेश वाहिनी को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश राज्य परिवार कल्याण विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सारथी संदेश वाहिनी मिशन की शुरुआत की है। अगली बात करते हैं जनवरी 2019 की राज्य स्तरीय मामलों के बारे में। विश्व का पहला धार्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश 4 मार्च 2019 को समापन संगम में शुरू हुआ है। परंपरागत रूप से 4 मेलों को समय समय पर नियमित आवर्तन द्वारा निम्नलिखित स्थानों में से एक में आयोजित किया जाता है। प्रयाग कुंभ मेला, हरिद्वार कुंभ मेला, नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ और उज्जैन सिंहस्थ। तो याद रखिए हरिद्वार में होता है, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद में, और फिर नासिक में, फिर उज्जैन में। अगला है अंडमान उड़ान 3 के तहत समुद्री विमान को संचालित करने वाला पहला द्वीप बना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अंडमान में द्वीप जल्द ही इन हवाई जहाजों से जुड़े जाएंगे जो उन उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत जल से ऊपर उत्तर या उड़ सकते हैं। अगली बात करते हैं भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल 300 मीटर लंबा है, इसे बायरंग पुल के नाम से भी जाना जाता है। सियांग नदी के बारे में बात करें तो आपको सियांग नदी को अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। मैदानी क्षेत्रों में नहीं, नदी को दिहांग भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी सियांग जिले में ने 100% विद्युतीकरण प्राप्त किया है। पूर्वी सियांग जिले अरुणाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहर बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। अगली बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का डेफो पुल राष्ट्र को समर्पित है। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश में रोइंग कोरोन फाया सड़क पर डेफो नदी के ऊपर 426 मीटर लंबे पूर्व तनावग्रस्त कंक्रीट वॉक्स गर्डर फिकार के पुल का उद्घाटन किया है। पुल का निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया गया। अगला हमारा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के हॉर्नबिल फेस्ट को राज्य महोत्सव घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कामेंग जिले के सिजौसा में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव घोषित किया। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल केवल अरुणाचल प्रदेश का संरक्षण त्यौहार है। अगला हमारा तेलंगाना ने बाघ बचाओ संरक्षण बल स्थापित किया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में बड़ी बिल्ली की आबादी को बचाने के लिए राज्य बाघ संरक्षण बल बनाने की का फैसला किया है। अमराबाद और कवाल टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी की रक्षा के लिए एक सहायक वन संरक्षक द्वारा 112 सदस्यीय सशक्त ASSTPF का नेतृत्व किया जाएगा। अगली बात करते हैं केरल में भारत का सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन हुआ है। भारत को अपना सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तब मिला जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आधुनिक तकनीक के खंडों में 1.8 लाख वर्ग फुट की सुविधा वाले आवास उस्मायन सेटअप का उद्घाटन किया। अगली बात करते हैं पीएम ने केरल में कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोल्लम बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर राष्ट्र को समर्पित किया है। इसने अलापुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच की यात्रा के समय को कम कर दिया। यह 50:50 केंद्र राज्य भागीदारी पर देश में पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। अगली बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में नुवालीगढ़ रिफाइनरी के लिए विस्तार की मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 9 MMTPA ने से 3 MMTPA मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष तक नुमालीगढ़ रिफाइनिंग की क्षमता विस्तार परियोजना के लिए मंजूरी दी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की स्थापना ऐतिहासिक असम समझौते में किए गए प्रावधानों के अनुसार
गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में की गई थी। एनआरएल के प्रवर्तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम सरकार है। नुमालीगढ़ रिफाइनरीज को सर्वश्रेष्ठ मिनी रतन पीएसई पुरस्कार मिला है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को गवर्नेंस नाउ पीएसई अवार्ड्स के छठे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक प्रदर्शन से सम्मानित किया गया। अगली बात करते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री के अल्फोंस ने गंगटोक में पहले स्वदेश दर्शन उत्तर पूर्वी पूर्व सर्किट के विकास का उद्घाटन किया है। अगला है हमारा विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय रहा है विशेष आवश्यकताओं के साथ पाठक। यूएई का तीसरा सबसे बड़ा अमीरात शारजहां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए सम्मानित अतिथि हैं। अगली बात करते हैं, केरल में लैंगिक समानता के लिए महिला दीवार वोमेन वॉल, वनिता मैथिल महिला दीवार की बनाने के लिए लगभग 30 लाख महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं, जो पूरे केरल से गुजरी। इस कार्यक्रम का आयोजन केरल सरकार द्वारा कई राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समूहों के सहयोग से किया गया था। अगला है, भारतीय पिनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य के प्राधिकरण के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। मौजूदा समाज राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को भंग कर दिया गया और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे अब प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगला बात करते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर कठुआ में नितिन गडकरी ने करियन गंडियाल पुल राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी ने 22 फरवरी 2019 को जम्मू के कठुआ जिले में करियन गंडियाल पुल राष्ट्र को समर्पित किया है। 3 साल के रिकॉर्ड समय में कठुआ जिले में रावी नदी पर पुल का निर्माण किया गया। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 45 किलोमीटर से घटकर 8.6 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरी कोयला नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी। मंडल बांध परियोजना झारखंड और बिहार राज्य के लिए वरदान होगी। अगला है, उत्तराखंड में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा। उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित करने की अनुमति प्राप्त की कर ली है। यह देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है। पहला है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, दूसरा उत्तराखंड में, याद रखिए पहला है जम्मू कश्मीर में। अगला है, सिक्किम यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रस्तुत करेगा। सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2022 तक सिक्किम में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने का आश्वासन दिया है। अगर योजना के अनुसार बात की जाए तो सिक्किम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करें तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसे कार्यक्रम को संदर्भित करता है जिसमें लोगों को उनकी आय, संसाधनों और या रोजगार की स्थिति के बावजूद निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। अगली बात करते हैं, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पी नारायण स्वामी ने 1 मार्च 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में एकल उद्योग वाले प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगली खबर है हमारी, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय राज्यों ने 21 जनवरी को अपना 47वां राज्य दिवस मनाया। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय राज्य पूर्ण विकसित राज्य बने। अगली बात करते हैं, चक्रवात पावुक। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान द्वीप समूह के लिए एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया, क्योंकि चक्रवाती पावुक द्वीप की ओर बढ़ता है। अगला हमारा, रेडू काजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में 6 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा रेडू काजी बांध पर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो याद रखिए 6 राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कई परियोजना की मुख्य महत्वपूर्ण विशेषताएं देखें तो रेडू काजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना गिरी नदी पर एक भंडारण परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना
कि सहायक नदी है। गिरी नदी के पार 148 मीटर ऊंचे चट्टान से भरे बांध का निर्माण किया जाएगा। रेडू काजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के साथ साथ अन्य दो परियोजनाएं यमुना नदी बेसिन में उत्तराखंड में यमुना नदी पर लखवार परियोजना, उत्तराखंड में टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना और जल संसाधन के प्रभावीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश में योजना बनाई गई। अगली बात करें तो हम लोग महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो याद रखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला हमारा, पहली बार भारतीय वायुसेना के एंटोनोव 32AN-32 परिवहन विमान ने सिक्किम के पियोंगोंग में एक सफल लैंडिंग की है, जो देश की उच्चतम हवाई अड्डों में से एक है। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित होने वाला पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। अगली बात करते हैं, RPF महिला स्क्वाड ज्वयमती वाहिनी गुवाहाटी में शुरू हुई। असम में लुमडिंग डिवीजन के रेलवे सुरक्षा बल ने औपचारिक रूप से ज्वयमती वाहिनी लॉन्च किया है, जिसमें गुवाहाटी के कामाख्या रेलवे स्टेशन पर आई RPF की महिला सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं। अगली बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगरा और मथुरा में 6 नमामि गंगे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आगरा की परियोजना में हाइब्रिड वार्षिक मोड पर वन सिटी वन ऑपरेटर दृष्टिकोण के साथ शहर के लिए व्यापक सीवरेज योजना शामिल की है। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। तो याद रखिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट घोषित किया। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत से बाहर जाने या प्रवेश के लिए एक अधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और आव्रजन सुविधाओं के लिए पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा खोला जाएगा। अगला बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को 49वां राज्य दिवस मनाया। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में अटल सेतु का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 लेन अटल सेतु का उद्घाटन किया है, जो पणजी गोवा में मंडोवी नदी पार तीसरा केबल पुल है। यह मंडोवी नदी के पार तीसरा पुल है। अगली बात है, ई जो डूइंग बिजनेस 2018 में आंध्र प्रदेश नंबर वन पर आया। एशिया वित्तीय स्पर्धात्मक संस्थान ने भारतीय राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की। एशिया वित्तीय स्पर्धात्मकता संस्थान EDB सूचकांक की नवीनतम रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने 2018 में शीर्ष रैंक हासिल किया। महाराष्ट्र और दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान। चलिए, तो ये थी 2019 तक सितंबर तक राज्य स्तरीय घटनाएं।